हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्मार्ट किचन हिंदी में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बादाम मिल्क शेक की रेसिपी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ 20 से 25 बादाम लिए हैं और हमने इसे 5 घंटे के लिए भिगो के रखा है। अब हमें स्किन निकाल लेनी है। अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे और बादाम का हमें पेस्ट बना लेना है। तो 2 चम्मच हम इसमें दूध ऐड करेंगे। आप दूध की जगह पे आप पानी भी ऐड कर सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, फाइन सा पेस्ट हमारा बन गया है। 1/2 कप हमने दूध लिया है। रूम टेम्परेचर पे हमें दूध को लेना है फ्रेंड्स। और 2 चम्मच हमने कस्टर्ड पाउडर लिया है और हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमने यहाँ पे 1 लीटर दूध लिया है और हमने गाय का दूध लिया है। आप यहाँ पे भैंस का दूध भी यूज़ कर सकते हो। तो हमें दूध को अब उबाल लेना है। तो फ्रेंड्स, हमने थोड़े से केसर के धागे ऐड किए हैं। केसर से अच्छा टेस्ट भी आएगा और कलर भी अच्छा आएगा। अब हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर दूध को उबाल लेना है। दूध को हमें कम कर लेना है और थोड़ा गाढ़ा कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी मलाई आ रही है। अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। तो 1/2 कप हमने चीनी ली है और मिक्स कर लेंगे। दूध को हमें चलाते रहना है। हमने बादाम का पेस्ट बनाया था तो हमें ऐड कर देना है और मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा हम इलायची पाउडर ऐड करेंगे। अब हमें कस्टर्ड का हमने मिश्रण बनाया था, हमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। दूध को हमें लगातार चलाते रहना है ताकि लम्स ना बने। और पका लेना है लो टू मीडियम फ्लेम पर। देखिए फ्रेंड्स, कितना क्रीमी हो गया है। अब हमें इसी स्टेज पर डाल देना है ड्राई फ्रूट्स। तो थोड़े हमने काजू और बादाम और पिस्ता को कट करके ऐड कर दिया है और मिल्क शेक हमारा बन गया है और गाढ़ा भी हो गया है। अब हमें 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। ठंडा होने पे और भी गाढ़ा हो जाता है फ्रेंड्स। तो हमारा मिल्क शेक अब बनके तैयार है। तो देखिए कितना अच्छा बनके तैयार हुआ है। बहुत ही टेस्टी मिल्क शेक हमारा घर पर बनके तैयार होता है फ्रेंड्स। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। थोड़े से हमने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स लिए हैं गार्निशिंग के लिए। तो हमने गार्निश कर लेना है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।